भारतीय वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सी डी माई साहब से निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय कलराज जी मिश्र जी, डॉक्टर जीत सिंह कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, इस आयोजन को जिन्होंने साकार किया है वो डॉक्टर जाखड़, पौध व्याधि के संबंधित मेरे सारे साथी वैज्ञानिक गण, पादप रोग में काम करने वाले मेरे स्टूडेंट भाई, इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण और पत्रकार भाइयों, आज हम आजादी का महोत्सव हम ये मना रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो सोसाइटी है उसको भी 75 साल हुए हैं और इस कॉलेज को भी 75 साल हुआ है, तो ये सारा एक योग ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये त्रिवेणी संगम आज हम यहाँ फलित कर रहे हैं। मैं आज राज्यपाल महोदय से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विज्ञान ने क्या किया है, इस विज्ञान ने हमारे कृषि में उनका क्या 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 दिया है विज्ञान ने। अभी जैसे हमारे जीत सिंह बताया, जीत सिंह कुलपति जी ने बताया है कि इस विज्ञान के कारण हमारी हरित क्रांति में हमारा जो योगदान हरित क्रांति में कम से कम 50% होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा व्हीट प्रोडक्शन जो है कुलपति जी कुलाधिपति जी, हमारा व्हीट प्रोडक्शन कभी कम हुआ ही नहीं, कंटिन्यूअसली हम बढ़ते जा रहे हैं। और आज ये स्थिति आ गई है कि हम गरीब देश जैसे अफगानिस्तान को हम फुकट मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं, और अब ये यूक्रेन वॉर होने से तो हमारा गेहूं की कीमतें भी इतनी बढ़ जाने वाली है कि हमारे किसान भाई भी इससे बड़े खुश होने वाले। तो हम एक तरफ से गरीबों को अन्न धान्य दे रहे, फूड दे रहे, और दूसरी तरफ हम हमारे बड़े देशों को हमारा निर्यात बढ़ा रहे हैं। हमारे इस जो विज्ञान का जो महत्व है, मुझे लगता है कि ये दो चीजों में, राइस और व्हीट में, इतना ज्यादा है कि इसके बगैर आज हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ नहीं सकता था। हमने आज भारत में आत्मनिर्भर होने की ठानी, हमारे पंतप्रधान जी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, ये तो बहुत जरूरी है। अब आज हम ये जो गोष्ठी कर रहे हैं, इसमें मैं सोचता हूं कि जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है उसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं जैसे इनका प्रोग्राम देख रहा हूं तो जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं, किसमें नहीं है, हमारे एडिबल ऑयल में हम आत्मनिर्भर नहीं है। खाद्यान्न जो हमारा तेल है, 80,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल एवरी ईयर हम मंगा रहे हैं। हमारे पास 9 बड़े बड़े, जैसे मूंगफली है, हमारा सरसों है, सोयाबीन है, बड़े बड़े है, बड़े एरिया में है, लेकिन हमारा उत्पादन इतना कम है कि हमें सारा तेल आयात करना पड़ रहा है। 15 मिलियन टन ऑयल, एडिबल ऑयल वी आर इंपोर्टिंग, तो ये हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है। हमारे माननीय पंतप्रधान बार बार कह रहे हैं कि हम इसको कैसे घटा सकते हैं। अब इसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट जो है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सभी जो जितने मैंने आपको नाम लिए हैं, और बाकी जो छोटे है किसमें है, हमारे जो जैसे सैफ्लावर है, सनफ्लावर है, और 9 ऑयल सीड है, एडिबल ऑयल सीड। ये 9 एडिबल ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बीमारी का, और इसीलिए हमारी उत्पादकता बढ़ नहीं रही। मैं हमारे कुलपति से विनती करूंगा, और जो हमारे बाकी कुलपति आए हैं उनसे विनती करूंगा कि हर एक विद्यापीठ में अभी आपको ये एक वॉर फुटिंग पे हमें काम लेना पड़ेगा कि जिसके तरह से हम हमारा एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट है वो पूरा बंद हो जाए, और हम ये ठान ले कि 5 साल में हमारा एडिबल ऑयल हम स्वयं आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे कुछ हमारे जो प्रोग्राम, जब हम साइंस मीट करते हैं तब ये एक हमारा डिसीजन हम लेना चाहिए, ताकि हम आगे इसके ऊपर क्या किया है हमने अगले मीटिंग में, ये हम चर्चा कर सकते हैं। आज के दिन मुझे इस सम्मेलन में बुला के प्रतिभा शर्मा को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं,
और आज मुझे कुलाधिपति महोदय के साथ बैठने का मौका जो उन्होंने दिया है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।